नमस्कार, मैं शिवान शर्मा लेकर आई हूँ आपके लिए देश और शहर की खास खबरें। निर्भया के गुनहगारों को कल सुबह होगी फांसी, पटियाला कोर्ट ने डेथ वारंट पर रोक लगाने से किया इनकार। भारत में कोरोना से हुई चौथी मौत, 22 मार्च से देश में लैंड नहीं करेगी कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट। 31 मार्च तक बंद रहेंगे दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट, सिर्फ खाना पैक कराने की मिलेगी छूट। 8 अभियुक्तों को धारा 3 यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत 6 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमाओं से किया गया निष्कासित। सहारनपुर के अम्बेटा में दिन दहाड़े बदमाशों ने शराब के ठेके के पास से की बाइक चोरी। कोरोना वायरस को लेकर जनता व पुलिस कर्मचारियों के लिए सहारनपुर पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। IIA द्वारा आयोजित 5 दिवसीय योगशाला का हुआ समापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर द्वारा कोरोना के बचाव हेतु लोगों को जागरूक किया गया। हेडलाइंस के बाद आइए नजर डालते हैं आपके अपने शहर सहारनपुर की खास खबरों पर विस्तार से। IIA द्वारा आयोजित 5 दिवसीय हार्ट के प्रयोगशाला साधना सत्र का गुरुवार को हुआ समापन। अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु पद्मश्री भरत भूषण ने 5 दिवसीय हार्ट केयर योग साधना सत्र शिविर के अंतिम दिन उपस्थित सदस्यों को योग की वह सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं कराई जो पिछले 4 दिनों से बताई जा रही थी। वह उपस्थित सभी व्यक्तियों को कहा कि यह योग क्रियाएं अपने दिनचर्या में लाए, तभी शिविर में आने का लाभ होगा। योगाभ्यास के पश्चात उनके द्वारा मंत्र उच्चारण करते हुए महायज्ञ कराया गया, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने आहुति दी। साथ ही उन्होंने बताया कि यज्ञ में जो भी सामान डाला गया है उससे वातावरण में सक्रिय संक्रमित वायरस समाप्त हो जाएंगे। यज्ञ की बात IIA वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि, सहो असि सहो मयि देहि, मन्युरसि मन्युर्मयि देहि। कोरोना वायरस को लेकर फैल रही अफवाहों के बारे में SSP दिनेश कुमार पी ने लोगों से की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। मैं सभी पब्लिक से निवेदन करूंगा और ये एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के और से अपेक्षा भी करूंगा कि ये फालतू की अफवाहें सोशल मीडिया में ना फैलाएं और अपने को तैयारी स्थिति में रखें, खुद की स्वच्छता और अपने परिवार की स्वच्छता पे ध्यान दें। सोशल डिस्टेंसिंग एडवाइजेबल है, किसी भी लार्ज गैदरिंग पे किसी भी अननेसेसरी गैदरिंग को अवॉइड कर सकते हैं। अपने जो आस पड़ोस के लोगों को भी एजुकेट कर सकते हैं। जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं इन जो अफेक्टेड देश है, जो ईरान, चाइना और जो साउथ कोरिया एक्सेट्रा, इन कंट्रीज से जो भी वापस लौट रहे हैं वो सेल्फ खुद ही रिपोर्ट करें CMO के ऑफिस में और सेल्फ क्वारंटाइन करें, अपने घर में कुछ दिन के लिए रहें ताकि अपने परिवार के लिए भी और अपने समाज के लिए वो हित में हैं। अगर कोई फालतू की अफवाह फैला के लोगों के मन में डर और बहुत आशंकाएं पैदा करेंगे उनके खिलाफ़ FIR भी दर्ज किया जाएगा। जो अथॉरिटीज से कोऑपरेट नहीं करेंगे उनके खिलाफ़ भी FIR दर्ज किए जाएंगे। और ये जो इसके अतिरिक्त जो बाज़ार में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो काला बाजारी या जमाखोरी करने वाले उनके खिलाफ DSO से उनके सहयोग लेके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक के साथ साथ पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना से सुरक्षा हेतु सहारनपुर के सभी पुलिस कर्मियों के लिए भी कदम उठाया गया, जिसके बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने जानकारी दी। लगातार हम लोग यहाँ पे जो हमारे ऑफिस परिसर में डिसइंफेक्टेंट ब्लीचिंग सॉल्यूशन की छिड़काव किया जा रहा है, हार्ड सरफेसेस और जो फ्लोरिंग है, फ्लोर है, इसके भी लगातार ये पोछा भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कंप्लेनेंट्स को हाथ साफ करने के लिए जो हैंड वॉश और ये हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ करने के लिए यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं। आगे हमारे अपने तरफ से सारे प्रिकॉशंस रखते हुए हैं ये जन सुनवाई कर रहे हैं और लोगों को जागरूकता के तो पोस्टर्स और पैम्पलेट्स भी छपवा रहे हैं, वो भी जल्दी इश्यू करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर द्वारा कोरोना के बचाव हेतु पत्र वितरित कर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान सभी को कोरोना से बचाव की जानकारी दी गई। इसमें मुख्य रूप से विभाग संगठन मंत्री, जिला संयोजक मोहित पंडित, वंदन पंडित आदि मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर इकाई के द्वारा जो एक पूरे भारतवर्ष में कोरोना महाबीमारी का एक वायरस चल रहा है, ऐसे एक आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता
एक पत्रक के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस पत्रक में लिखा हुआ है कि हमको कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे हम कभी बाहर जाते हैं तो बाहर जाने से तुरंत घर पे पहुंचने पर हमको लगभग 20 सेकंड तक साबुन से अपने हाथ धोने चाहिए। एक दूसरे से बातचीत करते समय हमको लगभग 1 मीटर की दूरी का फासला रखना चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमको मास्क का सेवन नहीं करना चाहिए और हाथ मिलाने की जगह हमको नमस्ते का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही इस पत्रक में विद्यार्थी परिषद ने एक पंपलेट बनवा करके एक आम पब्लिक को जागरूक करने का विद्यार्थी परिषद ये कार्यक्रम कर रही है। और विद्यार्थी परिषद शहर की प्रत्येक नगर इकाई गाँव जा करके गोष्ठियाँ करके पत्रक वितरण करके जागरूकता कोरोना महाबीमारी से जागरूक करने के लिए ये काम कर रही है। और कोरोना एक वायरस तो है, इससे कोई ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम खुद भी बचें और औरों को भी बचने का प्रयास करें। ऐसे एक संकल्प को लेकर के विद्यार्थी परिषद आज शहर के अंदर निकली है। सिटी वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और हमारी हर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।